तो गाइस स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आप लोग ने मेरा स्क्वाट्स का और बेंच का वीडियो देखा होगा। एंड ऑल्सो गाइस आपने लोग ने सो ऑल्सो गाइस आप लोग ने मेरा सीटेड गुड मॉर्निंग का देखा होगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मेरा लोअर बैक में बहुत पेन था गाइस, मतलब मेरा लोअर बैक बहुत वीक था। ये क्यों हुआ, मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट जब करता था तो मेरा टेक्निक कभी कभी बहुत ख़राब हो जाता था और स्ट्रेंथ के वजह से मैं छोड़ता नहीं था। दैट वॉज माई मिस्टेक। जब मेरा बैक बेंड हो रहा तो मुझे वेट ड्रॉप कर देना चाहिए, बट मैंने नहीं किया बहुत सारे लिफ्ट्स में। सो मेरा बैक में दो तीन बार पेन फील हुआ गाइस, बहुत गंदा वाला। ऐसा पेन था कि मैं अपने बेड से दो दिन तक उठ नहीं पाया था। सो इतना ज़्यादा पेन था। सो जब से मैं अपना ये ट्रेनिंग ऐड किया हूँ, सीटेड गुड मॉर्निंग और स्टैंडिंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करने से मेरा लोअर बैक बहुत स्ट्रांग हुआ है। मैं फील कर सकता हूँ गाइस, क्योंकि आप लोग देखोगे, अगर आप लोग ने मुझे आप लोग मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो आप देखोगे मैं हफ्ते में 3 से 4 बार स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट करता हूँ गाइस। सो कंपाउंड मूवमेंट्स इतना करने के बावजूद भी मुझे उतना पेन फील नहीं होता है लोअर बैक में या हैमस्ट्रिंग में। द रीज़न वाइज मैं लोअर बैक में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी से नहीं, ये मेरा 3 महीने से चल रहा है। मैं 3 महीने से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपना लोअर बैक को स्ट्रेंथ बहुत ऐसा कर लूँ कि अगर, क्योंकि आप गाइस जब भी हेवी पुल करोगे, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप जब भी डेडलिफ्ट हेवी पुल करोगे तो आप सही टेक्निक में नहीं पुल कर सकते हो गाइस। आप एक अच्छे अच्छे पावर लिफ्टर का भी अगर सुनोगे उनके बारे में, उनका क्या एडवाइस रहता है, सो वो जब हेवी पुल करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्पनसेट होता है, सब टेक्निक को लेके थोड़ा सा कॉम्पनसेट होता है। सो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इतना वीक वीक मसल को इतना स्ट्रांग कर लूँ सो दैट मैं जब भी हेवी पुल कर रहा हूँ और अगर फॉर्म भी टेक्निक थोड़ा ख़राब होता है तो मुझे इंजरी नहीं हो, क्योंकि मुझे ये स्पोर्ट्स में इंजरी नहीं चाहिए गाइज। मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं। तो गाइज आज एक्चुअली संडे है, संडे रहता है मेरे सिटी में लॉकडाउन, बट एडवांटेज ऑफ हैविंग योर ओन जिम, आप अकेले आके कर सकते हो। सो और जिम में भी कुछ काम था गाइस, मतलब जिम में कुछ वायर्स और थोड़ा लाइट उठ का बोला हूँ, लाइट थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, बिकॉज जब मैं डेडलिफ्ट और स्क्वाट शूट करता हूँ सो लाइट बहुत कम आती है। सो अगर आईफोन 12 मिनी में भी लाइट इतना कम आ रहा तो गाइस एंड्रॉयड वालों का क्या हाल होता होगा। इसलिए मैं उनके लिए और अपने लिए भी कुछ लाइट्स और एक मेरा लैट पुल डाउन मशीन का वायर भी टूट गया था, सो उसके लिए भी मैकेनिक आया था चेंज करने के लिए। सो अभी जस्ट वो गए हैं, मैं ट्रेनिंग कंप्लीट किया हूँ। और एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। सो गाइज ये है आज का मौसम। सो गाइज ये था मौसम आज का, बारिश हो रही है दबा के। सो बारिश हो रही है गाइज बहुत, और अच्छा ही है, मेरा वर्कआउट भी थोड़ा बचा हुआ है तो अच्छे से वर्कआउट करते हैं। बारिश हो रही है मतलब नींद अच्छी आएगी, फिर अच्छा मील खा के सोना है। और न्यूट्रिशन का अगर मैं आपको अपडेट दूं, मैं अपना बॉडी वेट अभी चेक नहीं किया हूं गाइस। मैं प्लान किया हूं एवरी वीक एक बार मैं चेक करूँगा बॉडी वेट मेरा। सो आप लोगों को मालूम होगा मैं 15 जुलाई से अपना कटिंग स्टार्ट किया हूँ सो 15 जुलाई के बाद एक वीक जब होगा तब मैं आपको उस दिन मेरा बॉडी वेट अपडेट दूंगा। याद रखिएगा 74.7 से मैं स्टार्ट किया था 15 जुलाई को, एक वीक में कितना कट हुआ कितना कम हुआ वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप लोगों को भी कुछ भी पूछना है, क्योंकि गाइस देखिए ये मेरा बॉडी है, ये मुझे मालूम है मेरा बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगा। यस गॉड इज़ देयर आर्नोल्ड। सो ये फ़ोटो तो कॉम्प्लीमेंट्री है हर जिम में, और खुद का भी एक होना चाहिए गाइस। सो मेरे लिए मैं ये भी मोटिवेशन है और ये भी मोटिवेशन है। सो गाइस हाँ, न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा था कि मुझे अपने बॉडी में कैसा फील होता है वो मुझे मालूम है। ओके सो बॉडी में मतलब मेरा बॉडी कैसा अडॉप्ट करता है ट्रेनिंग,
मेरा बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करता है हर ट्रेनिंग को, वो मुझे अच्छी तरफ से मालूम है। सो दैट्स द रीज़न मैं चाहता हूँ कि कैसे वेट कम करूँ वो मुझे मालूम है मेरे तरफ से। तो गाइज मिलते हैं आपको कल के वीडियो में। कल रहेगा मेरा ऑफ जो कि है मंडे, देन ट्यूजडे रहेगा लास्ट सेशन ट्रेनिंग का, वो कंप्लीट करके ये भी वीडियो कंप्लीट होगा। देन आपको नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, नेक्स्ट वीक में पहला वीडियो भी आपको मैं अपना बॉडी वेट का अपडेट दूंगा। सो गाइज लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ गाइज थोड़ा कमेंट करो यार, थोड़ा मोटिवेट करो और मोटिवेट करो मुझे, सो दैट अगर आप कुछ भी नए कंटेंट भी चाहते हैं, सिर्फ पावर लिफ्टिंग मैं करते रहता हूँ मुझे मालूम है, बट गाइज यही स्पोर्ट है जो मुझे पसंद है और मुझे बहुत पसंद है, सो दैट मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ इसके बारे में बात करना या इसको 365 डेज करना। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए आप पूछो। मैंने बॉडी बिल्डिंग की है गाइज 2-3 साल, बट नेचुरली बहुत मुश्किल था, बहुत बार लोगों ने बोला कि भाई ये ले ले वो ये वो ले ले, बट दैट्स द रीज़न मैं उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम है गाइज नेचुरली बॉडी बनाना इट्स नॉट पॉसिबल। आपको इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे लोग मिल जाएंगे बट वो लोग आपको बताएंगे नहीं रियलिटी क्या है। बट पावर लिफ्टिंग गाइज दिस इज़ हार्ड वर्क, इसमें भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, बट दिस इज़ हार्ड वर्क गाइज। आप जितना अच्छा ट्रेनिंग करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना तरीका समझोगे कैसे बेंच प्रेस में लेग ड्राइव होता है, कैसे डेडलिफ्ट में आप अपना पैर को थोड़ा सा मूव करते हो और लोअर बैक स्ट्रेट करते हो तो वेट पुल होता है, स्क्वाट्स में कितना बैक टाइट रहना चाहिए, कब पुश करना है हील को, ये सब टेक्निक गाइज आप जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं होगा। आप बुक से पढ़ के नॉलेज ले सकते हो गाइज, बट ये सब रियलिटी आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन ही बता पाएगा जो इस फील्ड में है। सो गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मेरा कुछ भी आपको मैं जो भी बता रहा हूँ अच्छा लग रहा हो प्लीज़ कमेंट में बताना, और प्लीज़ गाइज अगर कोई भी नए बंदे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइज, सब्सक्राइब प्लीज़ करो, शो सम लव, पीस आउट। मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा इस क्लिप में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोनों वीडियो, वो था गाइस 10th ऑफ दिस मंथ, ठीक है, और एग्जैक्टली 10 दिनों के बाद आज मैंने 210 केजी हिट किया। आज एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था गाइस 210 हिट करने का, मेरा प्लान था 200 से पुल करने का और उसमें ज़्यादा स्पीड करने का, तो आज मेनली सब सारा स्पीड वर्क था। बट जैसा मेरा 190 मूव हुआ, 190 मैंने डबल्स किया था, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो, और मैं ट्राई करूंगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस वीडियो में 180-190 सारा आपको दिखाया हूँ, लेकिन वो फ़ोन मैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाया था सो दैट आपको थोड़ा छोटा लग दिखेगा, बट एज इट इज़ गाइस 190 फर्स्ट रेप बहुत स्लो मूव हुआ,
मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा पुल, बट जैसा सेकंड रेप में मुझे कॉन्फिडेंस मिला, जो स्पीड से पुल हुआ 190 केजी, तब मैं समझ गया कि नहीं भाई आज 210 केजी पुल होगा। तो वो एक माइंडसेट लगा, इसलिए मैंने 200 केजी नहीं ट्राई किया, 210 केजी डायरेक्ट ट्राई किया। सो गाइस, ये है माइंडसेट और माइंड गेम। आपको अपना बॉडी को समझना पड़ेगा कि आपका बॉडी कैसा फील हो रहा है। जैसे मैंने आज 180 हिट किया, फिर 180 में डबल्स किया, ट्रिपल्स किया, फिर 190 में डबल्स किया, फिर मैं सोचा कि 200 में सिंगल करूं, फिर 210 में सिंगल करूं। सो मैं सोचा 210 में सिंगल करता हूं, इतना अच्छा स्ट्रेंथ लग रहा है, तो फिर 200 करके अपना स्ट्रेंथ वेस्ट करके फ़ायदा नहीं। इसलिए मैंने 210 पुल किया एंड होपफुली गाइस हो गया। इतना हार्ड वर्क करने के बाद अगर कुछ मतलब मिलता ना गाइस, वो फीलिंग अलग ही है जो फील मैं आज कर रहा हूँ। बिकॉज मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, मतलब एक बार मैं क्या दो बार फेल हुआ हूँ, बट ऐसा हुआ था गाइस, उस समय आप अगर उसका वीडियो देखोगे तो उस समय देखोगे कि मेरा ग्राउंड से भी लिफ्ट नहीं हुआ था गाइस, इतना मतलब हेवी लगा था उस समय मेरा 210 केजी, 210 केजी ग्राउंड से पुल नहीं हुआ। डिपेंड्स गाइस, न्यूट्रिशन, स्लीप बहुत बड़ा गेम है ये। सिर्फ आपको लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिम जाओगे और डेली प्रैक्टिस करोगे और हो जाएगा, नहीं गाइस, आपको न्यूट्रिशन भी करना होगा, स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं स्टार्टिंग से अभी तक यही बोलता हूँ गाइस, मैं नेचुरल हूँ, नेचुरली सब चीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे बहुत लोगों ने बोला ट्राई करो इन्हेंसमेंट कुछ लो, बट गाइस नहीं, मेरा प्लान गोल है मुझे नेचुरल एस्थेटिक नेचुरल बॉडी बनाना, और मेरा जो भी फिजिक है गाइस मैं इससे बहुत खुश हूँ। सो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, 7th of August मेरे जिम में मैंने डेडलिफ्ट का कंपटीशन रखा है। अगर कोई भी धनबाद के मेरे सिटी के लोग हैं जो मेरे मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, सो गाइस यू गाइस हैव ए चांस। और ये वीडियो, ये मीट मैं स्ट्रिक्टली सिर्फ जो जिम में लिफ्ट करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, जो कम्पीट नहीं करते हैं उनके लिए है। अगर कोई भी ऐसा बंदा आता है जो कम्पीट करता हो, डजेंट मैटर स्टेट, नेशनल या कोई भी कंपटीशन खेला हो, अगर मुझे मालूम पड़ गया तो मैं नहीं खेलने दूंगा। बिकॉज मेरा गोल है गाइस नए लोगों को ऊपर लेके जाना, नए लोगों को बताना कि कैसा मीट होता है, कैसा टेक्निक होता है, कैसा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। सो दिस इज़ ओपन गाइस, कोई वेट कैटेगरी नहीं है। विल स्कोर के हिसाब से मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा उनको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, उनको मैं ट्रॉफी दूंगा अपने तरफ से। और दैट्स इट गाइस, मैं चाहता हूँ कि लोगों को मालूम हो एक्सेस कंपाउंड लिफ्ट कितना इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो लोग समझे कि टेक्निक क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, कब पुल करना है, कब आपको ड्रॉप करना है, कैसे बारबल को नीचे रखना है। क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को देखता नहीं हूँ गाइस कि लोगों को बताएं कि ऐसा कम्पीट कर सकते हो गाइस। फ्यूचर इन द सेंस, आप जिम करते रहोगे और अपने आप को एक गोल सेट नहीं करोगे तो गाइस डैट इज़ वेस्ट। सो अगर आप में पोटेंशियल है तो वाई नॉट ट्राई इट। सो वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है टाइम, आप ट्राई करो, क्या मालूम आपका लक में कैसा हो। मैं अभी 5-10 साल पहले नहीं सोचा था कि सिर्फ पावर लिफ्टिंग करूँगा, बट नाउ आई लव इट। मैं खुद अकेले जिम में ट्रेन कर रहा हूँ। डजेंट मैटर, अगर आपका गोल कुछ भी हो आप आराम से ट्रेनिंग कर सकते हो गाइस। यू कैन सी आई एम अलोन इन माई जिम, बट ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करना है, प्रोसेस को ट्रस्ट द प्रोसेस। और अगर आप इतना हार्ड वर्क कर रहे गाइस तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, मुझे भी मिला। जैसे आज मिला 210 केजी, 10 दिन पहले पुल नहीं हुआ था, आज पुल हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा गोल है ट्राई करने का, मैं अभी 220 हिट नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि 15 अगस्त को जो मीट है जो धनबाद में होने वाला है, सो 15 अगस्त अब मुझे कंफर्म नहीं है गाइस होगा कि नहीं होगा, बट मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, मतलब उतना फोकस नहीं हो रहा हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट मंथ ही अब 220 ट्राई करूँ। सो ट्राई करना है तो मीट में ट्राई करूँगा, नहीं तो जिम में ट्राई नहीं करूँगा 220। सो बस गाइस, आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। और हाँ गाइस, कल रहेगा ऑफ, मेरा ऑफ नहीं रहेगा क्योंकि आज मेरा आरडीएल था, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज डेडलिफ्ट मैंने 200 मतलब माइंडसेट बना के रखा था, बट मैंने 210 पुल किया। सो मैं चाहता हूँ कि लोअर बैक को ज़्यादा स्ट्रेस ना दूँ,
कल आऊँ, सिर्फ आरडीएल करूँ और कल का सेशन कंप्लीट कर लूँ, और देन कल कार्डियो भी करना है। और परसों गाइज मैं आपको अपना बॉडी फिजिक मतलब बॉडी का वेट बताऊंगा कि एक वीक होने वाला कल का दिन। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, मैंने 15th ऑफ जुलाई स्टार्ट किया था कटिंग 74.7 से, और कल देखते हैं गाइज एक वीक के बाद क्या होता है। सो सस्पेंस नहीं है, मुझे मालूम है 3-4 kg तो भाई कटा कम हुआ होगा, मुझे मतलब फील हो रहा है बॉडी से, आप देख सकते हो गाइज। सो आप सब तो वापस आ रहे हैं, मतलब हाँ भाई मतलब हो रहा प्रोसेस। सो गाइज दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ट्राई करूंगा। अगर आप मेरे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो गाइज तो प्लीज़ करो, सो दैट आपको मालूम हो कि मेरा ट्रेनिंग स्प्लिट कैसा रहता है, मैं कैसे ट्रेनिंग करता हूँ, और वहाँ पर मैं सारा अपना वर्कआउट का डिटेल्स बताता हूँ। सो दिस डे इतना मैं पुल किया हूँ, इतना इतना सेट, इतना रेप्स किया हूँ। अगर आपको कोई ट्रेनर या कोच हायर नहीं करना गाइज, यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। आप अपना नंबर अपने हिसाब से नंबर ऐड करो जितना आपको पुल करना है, और वैसा ट्रेनिंग करो। क्या मालूम आपके लिए भी जो मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, क्योंकि हर ट्रेनिंग सबको नहीं होता गाइस, सबका बॉडी फिजिक मसल और सबका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अलग होता है। वी आर ह्यूमन बॉडी, सो वी हैव डिफरेंट लाइक फिजिक फॉर ईच एंड एवरी वन। सो आपका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो मेरा वीकनेस हो सकता है, मेरा जो वीकनेस होगा वो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। सो आप ट्राई करो, जैसे मैं कन्वेंशनल कर रहा था अभी, और मेरा सुमो ठीक हो रहा है। सो मैंने ट्राई किया राइट, तभी मुझे मालूम पड़ा कि भाई सुमो में भी पुल कर सकता हूँ मैं, सुमो का भी स्ट्रेंथ अच्छा है। और कन्वेंशनल में पुल करता था, मुझे अभी भी याद है, मैं जब भी पुल किया हूँ हेवी, मेरा बैक में थोड़ा पेन और ये होता था कि मुझे दूसरा वर्कआउट कंप्लीट नहीं कर पाता था। बट नाउ आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, सो दैट आई एम कंप्लीटिंग माई अदर एक्सरसाइज ऑल्सो। सो गाइज मिलते हैं, ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो गया, खुशी में ज़्यादा आपसे बात कर लिया। मिलते हैं गाइज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में बी हम्बल, कितना भी स्ट्रांग हो हम्बल रहो, लोगों को हेल्प करो, अगर आपके पास नॉलेज है लोगों को बताओ, उनको भी बताओ कि गाइज कितना पोटेंशियल है सही टेक्निक सही फॉर्म से करने का, अच्छा डाइट खाने का कितना बेनिफिट है। बाय बाय गाइज, सी यू।